अयोध्या नगरी के कुछ करीब बियाबान बनखंड से गुजर रहा श्रवण कुमार माता पिता को लेकर के, अंधे माता पिता को प्यास लगी और कहने लगे कि बेटा श्रवण, बेटा कहीं से भी पानी पिला, प्यास लग रही है। बियाबान बनखंड श्रवण कुमार को कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। थोड़ी दूर चलिया एक सरयू नदी नजर आई। श्रवण कुमार ने देखा कि इसे सरयू नदी में से पानी ला करके पहले माता पिता को पानी पिलाऊं, उसके बाद मैं आगे चलूं। सजनों यहां से इतिहास मोड़ ले जाता है। श्रवण कुमार माता पिता को एक पीपल की छांव में कवर को उतार देता है और पानी की तलाश में, जो कि एक पानी की वो जहरी पानी की वो गागर लेकर के पानी की तलाश में चलता है। सजनाओ यहां का हवाला कवि शिरोमणि ने कैसे लिखा है इस रागनी को लेकर के, मैं आपके बीच में एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद दे, एक बार जोरदार तालियों का। आइए यहां से एक कहानी, एक किस्सा किस तरह से मोड़ ले जाता है और श्रवण कुमार के साथ में क्या क्या हादसा होता है, आइए सुनेंगे सारा वाला इस रागनी के माध्यम से। आइए अरे बोलिया रे काम देते ओरे कावड़ तारी और पीपल के नीचे आके रे और पानी लेने चालिया श्रवण जल की झारी ठाके रे सेवा की भर उमंग रही थी काया में माता पिता की सेवा की भर उमंग रही थी काया में और जो हर नदी तलाश करे भई जो हर नदी तलाश करे हर चारों ओर लखा के पानी ले ले जाने श्रवण जल की झारी था तेरे पानी ले ले जाने श्रवण जल की चाह
हमें भर के पहुंच गया था, जरा ना देर लगाई थी। हमें भर के पहुंच गया था, जरा ना देर लगाई थी। और शीतल नीर नदी का देख के, शीतल नीर नदी का देख के खुशी का तुम्हें छाई थी। होनी ने, अरे होनी ने चक्कर खाया सिर पैचड़गी कर लाई थी। होनी ने चक्कर खाया सिर पैचड़गी कर लाई थी। और सोचे था रे 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 रे, सोचे था पाछे पी लूंगा, सोचे था पाछे पी लूंगा। मात पिता ने प्या के रे पानी ले ले चालिया सरवण चल की झाड़ी था के लगा कि पहले मात पिता को पियाऊंगा, उसके बाद में मैं पानी पीऊंगा। सजनाओ, क्या ऐसा बेटा बेटा ऐसा बेटा कोई और हो सकता है जो श्रवण कुमार था? यूं बोले रे, पहले मात पिता को पियाऊंगा और फिर खुद पीऊंगा। एक बार ऐसे लाडले बेटे के लिए जोरदार तालियां बनते, जोरदार। लेकिन कहते हैं कि विदना के लेख को कोई मिटा नहीं सकता और होनी होके रहेगी कोई टला नहीं सकता। सजने, उसी सरयू नदी के किनारे जो अयोध्या का राजा दशरथ जो शिकार खेलने के लिए आया हुआ था, और राजा दशरथ एक झाड़ी में छुप करके बैठा था कि कोई भी जंगली जानवर यहां पानी पीने जरूर आएगा, और जब पानी पीने आएगा तो मैं उसका शिकार कर दूंगा। सजने, वहां जंगली जानवर तो नहीं आया, लेकिन उस अंधे माता पिता का लाडला इकलौती संतान बेटा श्रवण कुमार उस नदी के किनारे पर पानी भरने के लिए आया। और सजना, नंबर तीन में क्या हवाला श्रवण कुमार के साथ में हुआ, आइए गुरुजी ने क्या लिखा, क्या बताया। और जल की झारी जब श्रवण ने रे, जल की झारी जब श्रवण ने पानी में डुबकाई थी, वो धवनी राजा दशरथ के कानों से टकराई थी। वो धवनी राजा दशरथ के कानों से टकराई थी। होगा जंगली जीव कोई राजा ने नजर घुमाई थी। शब्द के ऊपर बहाने छोड़ दिया, न्यों अक्कल चकराई थी। शब्द के ऊपर बहाने छोड़ दिया, न्यों अक्कल चकराई थी। और लाग्या बाण भक्त श्रवण के, लाग्या बाण भक्त श्रवण के पीस काण ज्या जो के रे, पानी लेने चाल्या श्रवण जल की झारी था के रे, पानी लेने चाल्या श्रवण जल की झारी था के रे। जैसे ही श्रवण कुमार ने वो जल की जारी पानी में डुबकाई, और जब पानी जल की जारी में प्रवेश किया तो गुड़गुड़ की आवाज आई, और जब गुड़गुड़ की आवाज आई तो राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जंगली जानवर आ चुका। राजा दशरथ जो बाण चलाने में बड़े निपुण थे, और राजा दशरथ के पास शब्द वेदी बाण होया करता, जो कहीं से भी छुप करके
उस शब्द के ऊपर वो बाण चलाया करता, वो बाण वही जाकर के अपना वार किया करता। सजनों, जैसे गुड़गुड़ की आवाज आई, वो आवाज राजा के कानों से टकराई, शब्द भेदी बाण राजा दशरथ ने छोड़ दिया और वो बाण भक्त श्रवण कुमार के कालजे में जा रहा। सिंह ने जैसे बाण लगाया, श्रवण कुमार चिल्लाया कि हाय भगवान, मार दिया। जब इतना शब्द राजा दशरथ ने सुना, ओहो, मैंने तो आज किसी भगवान के भक्त के बाण चला दिए। झाड़ियों में से निकल करके आया, झाड़ियों में से निकल करके आया और इस बाण ने श्रवण का क्या हाल बनाया। नंबर चार में गुरुजी ने काले खाड़ क्या बता दिया। अरे लगते तीर गिरा एकदम तेरे, लगते तीर गिरा एकदम तेरे, फिर चक्कर सा खाया था। हे भगवान, हे भगवान, मार दिया ये शब्द जवाब पे आया था। हे भगवान, मार दिया ये शब्द जवाब पे आया था। अरे कोई मनुष्य मरिया हाथों से, कोई मनुष्य मरिया हाथों से, फिर राजा घबराया था। दोहरे आके देखने लगा, अपना अंशी पाया था। दोहरे आके देखने लगा, अपना अंशी पाया था। और लिखन लगा हरे राम बेसला, लिखन लगा हरे राम बेसला, हर का ध्यान लगा के रहे। अरे पानी ले रे चाला श्रवण, सर की झाड़ी था के रहे। पानी ले रे चाला श्रवण, सर की झाड़ी।